हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट तो क्वेश्चन फर्स्ट है टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स एक्स एंड वाई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर इन एयर कैरी करंट्स ऑफ टेन एम्पियर एंड फाइव एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर वाई आप देखो बच्चों इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक फॉर्मूला करते हैं अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं ठीक है एक शॉर्ट कंडक्टर मान लो और एक लॉन्ग कंडक्टर है हमारे पास ठीक है तो अगर इसकी लेंथ हमारे पास है एल और लॉन्ग कंडक्टर की लेंथ हमारे पास है कैपिटल एल तो दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा फोर्स ऑन शॉर्ट कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर ठीक है दोनों के केस में क्या होगा इक्वल फोर्स होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नोट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू डिवाइड बाई आर आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स ठीक है इनके अंदर करंट चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट हो फॉमला यही रहेगा और यहाँ पे हमें देखो मल्टीप्लाई करना है लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर स्मॉल एल से. ठीक है लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर से मल्टीप्लाई करना है चाहे हम फोर्स ऑन शॉर्ट कंडक्टर निकाल रहे हो चाहे फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर निकाल रहे हो दिस फॉमला विल बी यूज इन बोथ केसेस अब देखो न्यूमेरिकल हैं ये इसमें क्या है देखो दोनों वायर्स के अंदर जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दो वायर्स है हमारे पास अब सपोज इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें इस तरह से जा रहा है दिस इज आई वन करंट दिस इज आई टू डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखी है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है एक तो है डिस्टेंस आर फाइव सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे फाइव इंटू टेन इज टू पावर माइनस टू मीटर ठीक है और करंट आई वन की वैल्यू है टेन एम पियर आई टू की वैल्यू है फाइव एम ठीक है हमें क्या कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड हम बाद में करेंगे पहले डायरेक्शन देखो डायरेक्शन हमें पता है अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स में से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स बिटवीन दैम क्या होता है रिपल्सिव फोर्स इस तरह से फोर्स होता है ठीक है रिपल्सिव फोर्स होता है तो ये है एक्स वायर और ये है वाई वायर हमें कौन सी वायर के ऊपर फोर्स निकालनी है वायर वाई के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है वायर वाई के ऊपर तो वायर वाई के ऊपर जो फोर्स है वो अपोजिट टू एक्स है यानी कि रिपल्सिव फोर्स है ठीक है डायरेक्शन पता लग गई अब मैग्नीट्यूड के लिए देखो फॉमला यूज़ क्या होगा एफ इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू डिवाइड बाई आर इंटू लेंथ तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि फोर्स हमें शोर्ट या लॉन्ग कंडक्टर इस तरह से कुछ दे नहीं रखा है सिर्फ लेंथ गिवन है तो हमें यहाँ पे लेंथ एल से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर या ट्वेंटी बाय हंड्रेड कर देंगे मीटर ठीक है मीटर में, में कन्वर्ट हो गया क्लियर पुट द ऑल द वैल्यूज़ म्यू नोट बाई फोर पाई इसकी वैल्यू होती है टेन एज टू पावर माइनस सेवन इंटू टू आई वन की वैल्यू है टेन आई टू की वैल्यू है फाइव और लेंथ है हमारे पास ट्वेंटी बाई हंड्रेड ओके आर की वैल्यू कितनी है फाइव सेंटीमीटर या फाइव इंटू टेन एज टू पावर माइनस टू मीटर ठीक है तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे देखो फाइव से फाइव ये कैंसिल हो जाएगा ये हंड्रेड जो है ये टू ज़ीरो इस तरह से कैंसिल होंगी तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे ये टू बच गया और ये टू टू इंटू टू फोर टेन की पार्ट्स कितनी बची माइनस सेवन यहाँ पे है माइनस टू यहाँ पर है तो टोटल पावर हो जाएगी माइनस फाइव तो फोर्स कितना आ गया फोर इंटू टेन एज टू पावर माइनस फाइव न्यूटन ठीक है अब डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वाई वायर ठीक है इज अवे फ्रॉम एक्स वायर ओके क्लियर बच्चों अब इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है बेटा अगर यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा होता तो हमें एल से मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ मीन्स वन सेंटीमीटर के ऊपर तो वन से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो ठीक है तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है ये इतना म्यू नोट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर ठीक है जैसे हमने टॉपिक के अंदर भी किया था अगर हमें पूछे टोटल फोर्स निकालना है ऑन लेंथ लेंथ हमें मैंशन है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर